रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर और मंगल का दिन है और आज के ताज़ा तरीन रियल रेट के हवाले से बात की जाए तो आज सऊदीया का रियल रेट मुख्तलिफ बैंक क्या दे रहे हैं उसके हवाले से बात करते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले शुरुआत की जाती है अल राजी बैंक से। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए रियल रेट का दे रहा है 58 रुपये 35 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 58 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.20 टका और नेपाल के लिए 34 रुपये 99 पैसे। दोस्तों अगर बात की जाए वेस्टर्न यूनियन की तो वेस्टर्न यूनियन का रेट है जो आज पाकिस्तान के लिए वो 58 रुपये, इंडिया के लिए 21 रुपये 58 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 20 पैसे, नेपाल के लिए 34 रुपये 99 पैसे। और अगर बात की जाए STCPay की तो STCPay पाकिस्तान के लिए 57 रुपये 83 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 62 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 17 पैसे, नेपाल के लिए 34 रुपये 91 पैसे। और अगर बात की जाए क्विक पे की तो क्विक पे पाकिस्तान के लिए 58 रुपये 8 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 26 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 2 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपये 69 पैसे का रेट दे रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए URPay की तो URPay पाकिस्तान के लिए 58 रुपये 51 पैसे और इंडिया के लिए 21 रुपये 98 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 19 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपये 92 पैसे का रेट दे रहा है। और अगर बात की जाए इंजाज बैंक की तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए जो रेट दे रहा है वो 58 रुपये 19 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 69 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 26 पैसे, नेपाल के लिए 34 रुपये 88 पैसे। बात की जाए टेली मनी की तो टेली मनी पाकिस्तान के लिए रेट दे रहा है 58 रुपये 28 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 75 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 11 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपये 70 पैसे। अगर बात की जाए फोरी बैंक की तो फोरी बैंक पाकिस्तान के लिए रेट दे रहा है 58 रुपये 16 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 56 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 11 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपये 70 पैसे। दोस्तों अगर बात की जाए एक्सप्रेस पे की तो एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए जो रेट दे रहा है वो 58 रुपये 21 पैसे, इंडिया के लिए 21 रुपये 62 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28 टका 10 पैसे और नेपाल के लिए 34 रुपये 94 पैसे का रेट है। दोस्तों इसके साथ वीडियो का अहतमाम करते हैं। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर आपको रियल रेट और गोल्ड रेट के हवाले से अपडेट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।